तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सो so, फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ की उर्दू का चैप्टर नंबर सेवन कंप्लीट करने वाले हैं लेकिन आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आप सभी लोगों से करना चाहूँगी जैसा कि आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मैम आप जिस तरह चैप्टर कम्प्लीट करा रही है उसी हिसाब से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी कम्प्लीट करा देती तो बहुत अच्छा रहता तो देखिए यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन आंसर का टेंशन नहीं लीजिए मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करा रही हूँ टोटल ट्वेल्थ क्लास के उर्दू में 40 चैप्टर है तो 40 चैप्टर को कंप्लीट कर लेने के बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराऊंगी यानी कि एक वीडियो में सभी चैप्टर का क्वेश्चन एंसर कम्प्लीट सोचिए मज़ा आ गया ना सुनकर सबसे पहले इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि सारा चैप्टर वन बाई वन करके कम्प्लीट कीजिए सातवें चैप्टर पर हम लोग पहुँच चुके हैं और 33 चैप्टर बचा हुआ है बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे सुनने में ज़्यादा लग रहा है लेकिन आगे चलकर एक ऐसा मतलब ऐसा ऐसा वीडियो आएगा जिसमें दो चैप्टर और तीन चैप्टर चार चैप्टर इस तरह एक एक साथ कंप्लीट कराऊंगी तो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाने वाला है आप लोगों का तो सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेने के बाद एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को सारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करा दूंगी तो वो वीडियो तो मस्ट इंपॉर्टेंट होगा मात्र एक वीडियो में सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट ठीक है तो इस वजह से आप लोग निश्चिंत रहिए क्वेश्चन आंसर का टेंशन नहीं लीजिए सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा सबसे पहले आप लोग चैप्टर कंप्लीट कीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और रही बात हिंदी सब्जेक्ट की तो बहुत जल्द हिंदी का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है चैप्टर वन से हम लोग पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख बताएं कि क्या आप लोग हिंदी के लिए तैयार हैं आर यू एक्साइटेड और नॉट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि यस मैम हम लोग हिंदी के लिए बिल्कुल एक्साइटेड है बिल्कुल तैयार है तभी तो हमारे अंदर भी मोटिवेशन आ जाएगा आप लोग के कमेंट जब आते हैं ना तो हमारे और हमारी पूरी टीम के अंदर मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ बच्चे बिल्कुल तैयार है तो पूरा एनर्जेटिक क्लास होना चाहिए और न्यू बैच जो स्टार्ट होगा वो एकदम एनर्जेटिक होगा मोटिवेशन से भरपूर होगा तो आप लोग कमेंट में लिख ज़रूर बताइएगा इससे हमें पता चलेगा कि आप लोग कितना एक्साइटेड है तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं क्लास ट्वेल्थ के उर्दू का चैप्टर नंबर सेवन जिसका नाम है टोबर टेक सिंग कोवैक्सीन आप लोग नहीं ना सुने जी हाँ टोबा टेक सिंह टोबा टेक सिंह अजीब व गरीब नाम सुनकर लग रहा है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं इसमें जो कहानी बताई गई है ना इतना ज़बरदस्त है कि सुनकर आप लोगों को मज़ा आ जाने वाला है ठीक है टोबा टेक सिंह ये चैप्टर क्या है अफसाना यानी कि कहानी है इसमें पागलों के बारे में आपको जानना है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस वक्त जो नॉर्मल इंसान है उनका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था ठीक है ना वो इधर उधर मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि उनका हालत ख़राब था उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें ठीक है तो सोचिए उस वक्त पागलों का क्या हाल हुआ होगा जब ये तय हुआ था कि जो पागल हिंदुस्तान में है मतलब हिंदुस्तान के जो पागल है वो पाकिस्तान में रह गए हैं और जो पाकिस्तान के पागल हिंदुस्तान में रह गए हैं हिंदुस्तान के पागल खाने में उनको तबादला कर दिया जाए यानी कि मतलब हिंदुस्तान के पागलों को हिंदुस्तान भेज दिया जाए और पाकिस्तान के पागलों को पाकिस्तान भेज दिया जाए तो जब ये पागल के कान में ये बात सुन जितने भी पागल थे पागल खाने के उनके कान में जब बात गई तो फिर उनके बीच अजीब सा माहौल बन गया एकदम हल्ला बोल नहीं होता है एकदम चारों तरफ हलचल मच गया कि अब हम लोग जाने वाले हैं एक दूसरे से बिछड़ने वाले हैं अब पागल पागल एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं अब वो बिछड़ने वाले होते हैं तो एक अजीब ही सा माहौल बन गया था ठीक है ना तो उसी वक्त के मोमेंट को यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का असर पागलों पर किस तरह पड़ा ये आप लोगों को इस चैप्टर में कहानी के ज़रिए बताया गया है और इसमें एक ऐसा पागल है जिसका नाम मतलब टोबा टेक सिंह है कि नहीं ये सारा आप लोगों को पता चलेगा पहले ही मैं नहीं बताना चाहती हूँ सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के राइटर यानी कि सादत हसन मंटू के बारे में पढ़ेंगे याद रखिएगा टोबा सिंह इस चैप्टर के जैसे ही टोबा टेक सिंह बोला जा रहा है तो कोवैक्सिन याद आ जा रहा है टोबा टेक सिंह ये जो चैप्टर है ना इसके राइटर यानी कि मुसनिफ़ कौन है सादत हसन मंटू तो सबसे पहले हम लोग सादत हसन मंटू के बारे में जानेंगे जितना भी डिटेल्स इनके बारे में दिया गया है वो सारे डिटेल्स को मैं बोर्ड पर लिख दी हूँ ठीक है ना चलिए इनके बारे में समझ लेते हैं और तब मैं आप लोगों को ये कहानी खुद एकदम ज़बरदस्त अंदाज में एक एक पॉइंट को पढ़कर बताऊंगी बताऊँगी ताकि आप लोग को हर एक पॉइंट समझ में आए एक भी पॉइंट छूटे ना और कहानी तो मतलब पहले ही मैं बता दे रही हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है थोड़ी हंसी भी है थोड़ी मज़ाक भी है और थोड़ा इमोशनल भी कर दिया गया है बहुत ही अच्छी कहानी है चलिए समझते हैं सबसे पहले सादत हसन मनटू के बारे में देखिए इनकी पैदाइश हुई थी ग्यारह मई उन्नीस सौ ईस्वी को पंजाब के लुधियाना के सिम्बर गाँव में याद रखिएगा ग्यारह मई उन्नीस सौ बारह को सादत हसन मन्टी मनटू की पैदाइश हुई थी और कहाँ पर तो पंजाब के लुधियाना के सिमरला गांव में सिमरला नाम का कोई गांव है वहीं पर इनकी पैदाइश हुई थी सहदत हसन मंटू अफसाना निगारी यानी कि कहानी लिखने में ये बहुत ज़्यादा मशहूर थे मशहूर और मतलब बहुत ज़्यादा इनको मकबूलियत हासिल थी आप यूँ कह सकते हैं कि प्रेम चंद के बाद जो दूसरा नंबर आता है ना कहानीकार में वो सादत हसन मंटू का ही है अफसाना निगार के तौर पर सादत हसन मंटू जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस हुए दूसरे नंबर पर यही आते हैं सादत हसन मंटू प्रेमचंद के बाद ठीक है ये याद रखिएगा सादत हसन मंटू के वालिद यानी कि पिताजी का नाम था ख्वाजा गुलाम हसन और वालिदा यानी कि माँ का नाम था सरदार बेगम इनकी इब्तदाई तालीम इनकी शुरुआती शिक्षा की बात करें तो इनकी इब्तदाई तालीम मिली थी अमृतसर से यानी कि अमृतसर में ही इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की और उसके बाद से ये इंट्रेंस से आगे नहीं बढ़ सके यानि कि इंट्रेंस से आगे पढ़ाई नहीं कर सके इंट्रेंस तक ही किए हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनका दाखिला भी हुआ था कि एडमिशन भी हुआ था लेकिन बीमारी की वजह से उसमें भी ये नहीं पढ़ पाए थे ठीक है ना अब बात करें उन्नीस सौ तैंतीस ईस्वी में इनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ यानि कि लिखने की शुरुआत किए और इनका पहला अफसाना का नाम याद रखिएगा तमाशा नाम है पहला अफसाना यानि कि पहला कहानी का नाम क्या है तो तमाशा ठीक है और इसको प्रकाशित किया गया था उन्नीस ईस्वी को मतलब उन्नीस ईस्वी में रिसाला खलक नाम के ज़रिए यानि कि जो पत्रिका था खलक खलक नाम के पत्रिका के ज़रिए उन्नीस ईस्वी में सदत हसन मंटू का पहला अफसाना तमाशा ान से शाए हुआ यानि कि प्रकाशित हुआ यानि कि उस अफसाना कहानी का उनवान क्या था टाइटल क्या था नाम क्या था तो तमाशा नाम था याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और उसके बाद से ये फिल्मी दुनिया में आ गए यानी कि फिल्में लिखने लगे ठीक है ना देखिए ये फिल्में भी लिखे थे खाका भी लिखे थे ड्रामा भी लिखे थे उसके बाद से इन्होंने एक नावल भी लिखा था तो सोचिए अफसा अफसाना निगारी में ये मशहूर थे बाकी इनको खाका भी लिखना आता था ड्रामा भी लिखना आता था फिल्म भी लिखे थे ठीक है उसके बाद से नावल भी लिखे थे सोचिए इंसान के अंदर सारी खूबियाँ हों मतलब उसको सारा काम आता हो ये, ये। मायने नहीं रखता है ये मैटर नहीं करता है मैटर ये करता है कि सारी खूबियाँ होने के बावजूद यानि कि सारा काम आने के बावजूद किसी एक काम पर अटल रहना वो सबसे बड़ा बात है ठीक है मतलब कि सालु हजन मंटू को खाका भी लिखना आता था खाका भी लिखते थे नावल भी लिखते थे ड्रामा भी लिखते थे फिल्में भी लिखे थे और अफसाना निगारी भी करते थे ये सभी काम आने के बावजूद ये किसी एक काम को चुने यानी कि अफसाना निगारी और अफसाना निगारी में ये काफ़ी मशहूर और मकबूल हुए तो यही बात मैं आप सभी लोगों को भी समझाना चाहती हूँ कि बहादुरी इस चीज़ में नहीं है कि आप सभी काम जानते हैं जी नहीं इसमें कोई बहादुरी वाली बात नहीं है बहादुरी इस चीज़ में है कि आप सभी काम जानते हुए भी किसी एक काम पर स्टेबल है किसी एक काम में अटल है और उसी फील्ड में आप अपना करियर बना रहे हैं काम कर रहे हैं और सफलता हासिल कर लिए इस चीज़ में बहादुरी है क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि सभी काम को जानते हैं लेकिन फिर भी वो अपने ज़िंदगी में सफल नहीं है क्यों क्योंकि वो सभी काम जान रहे हैं और सभी काम को अपने लाइफ में करते हैं किसी एक फ़ील्ड को उन्होंने अपनाया ही नहीं इसी वजह से वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए ठीक है तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने लाइफ में कैरियर ऑप्शन को चुनना कि किस फील्ड में हम अपना करियर बनाना चाहते हैं किस फील्ड में हम सफलता हासिल करना चाहते हैं ये डिसाइड करना ठीक है और बाकी सभी काम तो आना ही चाहिए सभी काम आना चाहिए ठीक है लेकिन कि किसी एक फील्ड को अपना लेना कि हमको इसी फील्ड में काम करना है इसी फील्ड में कैरियर बनाना है ये सबसे बहादुरी वाली बात होती है तो ऐसा सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के साथ होता है और ख़ास तौर तो से लड़कियों के साथ होता है क्योंकि मान लीजिए कोई एक लड़की जिसको पेंटिंग भी आती है सिलाई करने भी आता है पढ़ाने भी आता है और यहाँ तक कि वो एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकती है ठीक बहुत सारे मान लीजिए उसको बहुत सारे काम आ बहुत सारे सभी काम आते हैं और उसको वो डिसाइड ये नहीं कर पा रही है कि मुझे करना क्या है वो हर फील्ड में काम कर रही है ठीक है वो कभी सिलाई का काम कर रही है कभी पेंटिंग का काम कर रही है कभी टीचिंग भी कर रही है यानी कि पढ़ाने का काम भी कर रही है कभी सिंगिंग भी कर ले रही है ठीक है और कभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर ले रही है तो हर फील्ड में वो थोड़ा थोड़ा काम कर रही है तो फिर यहाँ पर वही बात हो गई ना कि ज़मीन खोद कर पानी निकालना है और ज़मीन पर हर जगह आप खोद खोद कर देख रहे हैं कि यहाँ पर खोद लेते हैं तो पानी मिल जाता है यहाँ पर खोद लेते हैं तो पानी मिल जाता है यहाँ पर खोदते हैं तो मिलता है और हर जगह खोद लिए आप लोगों को पानी मिलता ही नहीं है क्योंकि आप खोदे तो मेहनत तो किए हैं लेकिन हर फील्ड में किए हैं यानी कि हर जगह किए हैं वही जो आप मेहनत किया है एक ही जगह खोदने में करते यानी कि एक ही जगह खोदते और मेहनत करते तो आपको पानी ज़रूर मिलता तो वही बात है हर फील्ड में मेहनत करने के बजाय हर फील्ड में काम करने के बजाय किसी एक फील्ड को चुने और उसी में दबा कर मेहनत करें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी तो वही बात है तो यहाँ पर शादा हसन मंटो इनका सोच बहुत बढ़िया था इन्होंने लाइफ में एक कैरियर ऑप्शन चुना और उसमें ये सफल भी हो गए तो देखिए इनकी कुछ फिल्में भी दी गई है आप लोगों के बुक में फ़िल्मों के नाम जैसे कि अपनी नगरिया चल चल रहे नौजवान बेगम शिकारी पड़ोसन गालिब घमंडी और आठ दिन ये बहुत ही फेमस फिल्में हैं जो कि सादत हसन मंटू के द्वारा लिखा गया है ठीक है ना अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले अफसानवी मजमु की पहला अफसाना का नाम है तमाशा और पहला अफसानवी मजमु यानि कि मजमु का मतलब क्या होता है किताब और अफसाना का मतलब कहानी यानि कि पहला कहानी की किताब का नाम है आतिश पारे जो कि उन्नीस सौ छत्तीस ईस्वी में शाये हुआ था यानी कि प्रकाशित हुआ था तो याद रखना है सादत हसन मंटू का पहला अफसाना का नाम है तमाशा और पहला अफसानवी मजमु यानी कि कहानी की किताब का नाम है आतिश पारे शायद हुआ था उन्नीस सौ छत्तीस में अब जरा बात कर लेते हैं कुछ और अफसानवी मजमु की यानी कि कुछ और कहानी की किताब का नाम दिया गया है आप लोगों के बुक में जैसे कि धुआं खाली बोतलें खाली डब्बे नमरूद की खुदाई सड़क के किनारे ऊपर नीचे और दरमियान सरकुंडों के पीछे तो ये सारा जो है ना ये सारा कहानी की किताब का नाम है ठीक है ना और एक मुख्तसर तरीन यहाँ पर तरीन मैं लिखना भूल गई हूँ मुख्तसर तरीन यानी कि बहुत ही शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट स्टोरी आप सुनें बहुत ही छोटा कहानी उसका नाम है स्याह हाशिए ये भी याद रखिएगा ये मुख्तसर तरीन अफसाना यानी कि बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है ठीक है तो उसका क्या नाम है स्याह हाशिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि सादस मंटू के एक मुख्तसर तरीन अफसाने का नाम बताइए ऑप्शन में दिया रहेगा स्याह हाशिए ठीक है सयाह हाशिए तो वो हो गया मुख्तर तरीन अफसाना अब देखिए उन्नीस सौ उनतालीस ईस्वी में तादात हसन मंटू की शादी हो गई थी किससे तो बेगम सफ़िया से जनवरी उन्नीस सौ अड़तालीस में ये पाकिस्तान चले गए और वहीं पर अट्ठारह जनवरी उन्नीस सौ पचपन ईस्वी को लाहौर में ही उनका इंतकाल हो गया था यानी कि उनकी मौत हो गई थी इनके कुछ अफसाने भी हैं जिन पर मुकदमा चलाए गए थे क्योंकि किसादत सनमटू बहुत ही बड़े मशहूर व मकबूल अफसाना नगार थे और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने अफसाना यानी कि कहानियाँ लिखी थी एकदम जोश भर देने वाली ठीक है और क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का शासन था तो इन्होंने अफसाना लिखा यानी कि कहानी लिखी लेकिन कुछ ऐसे कहानी थे कुछ ऐसे अफसाने जिन पर मुकदम भी चलाए गए जैसे कि भू ठंडा गोश्त काली शलवार धुआँ खोल दो ऊपर नीचे और दरमियान ये जितने भी अफसाना यानी कि कहानी है ना ये वो कहानी है जिन पर मुकदमात चलाए गए थे ठीक है याद रखिएगा तो ये हो गया सादत सदर टू के बारे में सारा डिटेल्स जो आप लोगों के बुक में दिया गया था अब चलिए मैं आप लोगों को एकदम ज़बरदस्त अंदाज़ में ये कहानी को पढ़कर और सुनाती हूँ मैं इसलिए पढ़कर सुनाना चाहती हूँ ताकि एक भी पॉइंट छूटे ना मैं चाहती तो मतलब बिना बुक लिए ही इस तरह जुबान से ही बिना देखे आप लोगों को ये कहानी बता सकती थी लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक भी पॉइंट ना छूटे मतलब जिनके पास ट्वेल्थ क्लास के उर्दू का किताब नहीं भी है ना वो भी मतलब हर एक लाइन को ध्यान से सुन सके और पढ़ सके और कंप्लीट कर सके मतलब उनको भी इस चीज़ का अफसोस ना हो कि हमारे पास किताब नहीं है ठीक है ना तो इसी वजह से मैं कहानी को एकदम धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ूंगी अगर आप लोगों को लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोल रही हूँ तो आप लोग वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा अगर लगेगा कि मैं फास्ट बोल रही हूँ तो वीडियो की स्पीड घटा लीजिएगा लेकिन कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा बहुत ही मज़ेदार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा फ़नी ये कहानी है ठीक है ना तो कहानी का नाम क्या है टोबा टेक सिंह अब देखिए टोबा टेक सिंह जरा स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ ये एक गाँव का नाम है लेकिन एक ऐसा शख्स है जो कि अपने गांव से बहुत ज़्यादा प्यार करता है मोहब्बत करता है और इसी वजह से लोग जो है ना उसको उसके गांव के नाम पर ही बुलाते हैं यानी कि टोबा टेक सिंह उसका नाम नहीं है लेकिन लोग उसको टोबा टेक सिंह ही बुलाते हैं क्योंकि वो उसका गांव का नाम टोबा टेक सिंह है और वो अपने गाँव से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है इसी वजह से उसको लोग टोबा टेक सिंह पुकारते हैं तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ था उसी के दरमिया उसी के समय की ये कहानी बताई गई है मतलब तो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे का असर जो पागलों पर पड़ा था वही असर कहानी के जरिए जो है ना इस चैप्टर में बताया गया है तो देखिए लिखा गया है कि बंटवारे के दो तीन साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमत को ख़्याल आया कि इखलाक कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए यानी कि बंटवारे के दो तीन साल के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो हुकूमत है यानी कि सरकार है उनको ये ख्याल आया कि पागलों का भी बंटवारा कर दिया जाए यानि कि पागलों का भी तबादला कर दिया जाए जो हिंदुस्तान के हिंदू और सिख पागल हैं जो कि पाकिस्तान में रह चुके हैं पाकिस्तान में छूट चुके हैं तो उनको वापस हिंदुस्तान भेज दिया जाए और जो पाकिस्तान के मुसलमान पागल हैं, जो कि हिंदुस्तान में छूट चुके हैं तो उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुँचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए ठीक है तो मालूम नहीं यह बात माक़ूल थी या गैर माकूल बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह पर कॉन्फ्रेंसें हुई और बिला आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकरर कर दिया गया यानी कि एक दिन जो है ना मुकरर कर दिया गया कि इस तारीख को इस दिन जो है ना पागलों का भी तबादला कर दिया जाएगा यानि कि पागल जो हिंदू और सिख पागल है उनको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा और जो मुसलमान पागल है उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा यानि कि एक दिन तारीख़ मुकर कर दिया गया ठीक है ना अच्छी तरह छानबीन की गई वह मुसलमान पागल जिनके लवाहाकिन हिंदुस्तान ही में थे वही रहने दिए गए जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया यहाँ पाकिस्तान में चुके करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में सरहद पर पहुंचा दिए गए यानी कि जितने भी हिंदू और सिख पागल थे जो कि पाकिस्तान में छूट चुके थे उनको हिफाजत के साथ सरहद पर पहुंचा दिया गया उधर का तो मालूम नहीं कि कैसे पहुंचाया गया लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की ख़बर पहुंची, तो बड़ी दिलचस्प में गोइया होने लगी यानी कि उधर का तो पता नहीं यहाँ पर बात कौन से पागल खाने की हुई है तो लाहौर के पागल खाने की यानी कि लाहौर पागल खाने में जब ये तबादले की खबर पहुंची तो जो पागल खाने पागल खाना है ना पागल खाने में एक तरह से हलचल सी मच गई याद रखिएगा यहाँ पर जो कहानी बताई गई है वो कौन से पागल खाने की है तो लाहौर पागल खाने की ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है ना तो लाहौर के पागल खाने की पागलों के बारे में मतलब उन्हीं की कहानी ये बताई गई है ध्यान से सुनिएगा एक मुसलमान पागल जो बारह बरस से हर रोज़ बाकायदगी के साथ ज़मींदार पढ़ता था उससे जब उसके दोस्त ने पूछा कि मौलवी साहब यह पाकिस्तान क्या होता है उसने बड़े गौर व फ़िक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह जहाँ अस्तरे बुनते हैं उसे पाकिस्तान कहते हैं मतलब कि एक मुसलमान लाहौर के पागल खाने की बात हो रही है ठीक है तो लाहौर के पागल खाने की एक मुसलमान पागल था जो कि बारह साल से बारह बरस से हर रोज़ बाकायदगी के साथ ज़मींदार नाम का अखबार पढ़ता था यानी कि हर रोज़ ज़मींदार नाम का अखबार वो पढ़ता था और उससे जब उसके दोस्त ने पूछा कि मौलवी साहब जो कि उसका दोस्त भी पागल था तो वो भी पूछा कि मौलवी साहब यह पाकिस्तान क्या होता है तो उसने बड़े गौर और फ़िक्र के बाद जवाब दिया कि हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह जहाँ अस्तरे बुनी जाती है उसे हम लोग कहते हैं पाकिस्तान और यह जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमिन भी हो गया यानी कि ऐसा लगा कि उसको समझ में भी आ गया ठीक है ना मतलब यहाँ पर अब आप लोग को पागलों के सेंस में जाकर इस पूरी कहानी को समझना है जिस तरह पागल बात करते हैं उनका जिस तरह दिमाग काम करता है उसी हिसाब से आप लोगों को मतलब उसी भावना में जाकर आप लोगों को इस पूरी कहानी को समझना है ठीक है उसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है हमें तो वहाँ की बोली नहीं आती तो दूसरा मुस्कुराया और बोला मुझे तो हिंदुस्त्रों की बोली आती है हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ आकड़ फिरते हैं ठीक है मतलब कि यहाँ पर जो दूसरा सिख पागल था वो बोला कि मुझे तो हिंदुस्तानी बोली आती है ठीक है एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस ज़ोर से बुलंद किया कि फ़र्श पर फिसल कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया बास पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ऐसा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस ज़ोर से बुलंद किया ना कि फ़र्श पर फिसल कर फिसल कर गिर पड़ा और बेहोश भी हो गया बाज उसमें उस पागल खाने में ऐसे भी पागल थे जो पागल नहीं थे मतलब कि बास पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे उनमें अक्सरीत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने में भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाए यानी कि उस पागल खाने में कुछ ऐसे भी पागल थे जो पागल नहीं थे वो क्रिमिनल थे और उनके घर वाले उनके जो रिश्तेदार हैं वो अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था ताकि फांसी की सज़ा से बचाया जा सके यह कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और पाकिस्तान क्या है लेकिन सही वाकयात से यह भी बेखबर थे अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरादार जो थे पहरेदार सिपाही उन वो भी अनपढ़ और जाहिल थे मतलब कि ये जो क्रिमिनल थे जो कि पागल नहीं थे उनके रिश्तेदारों ने पागल खाने में भिजवा दिया था फांसी की सजा से बचाने के लिए वो कुछ कहा समझते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को क्यों तकसीम किया गया और पाकिस्तान क्या है देखिए बात में थोड़ी सी नुमाइजिंग आ रही है इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोग ज़रा कहानी पर गौर कीजिएगा अफसाना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है ठीक है तो ये लोग समझते थे कि आखिर पाकिस्तान क्या है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ लेकिन इनको भी सही वाकयात नहीं पता थी कि ये भी सही वाक़ से बेखबर थे अखबारों से भी कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही वो भी अनपढ़ और जाहिल थे कि वो उनसे भी कुछ पूछा जा सके ठीक है उनकी गुफ्तु से भी वह कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायद आज़म भी कहते हैं उसने मुसलमानों के लिए एक आलाहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है यह कहा है उसका मै... उसका महल वक़ू क्या है उसके मुतालिक वह कुछ नहीं जानते हैं यही वजह है कि पागल खाने में वह सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माउफ़ नहीं हुआ था उस मुखमसे में गिरफ्तार थे कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में यानी कि कुछ ऐसे पागल थे जो इस, पा, इस परेशानी में गिरफ़्तार थे कि आखिर हम पाकिस्तान में हैं या फिर हिंदुस्तान में यानी कि उनको ये सही वाक़ वाक्या, वाक़ात का अंदाज़ा नहीं हो रहा था सही वाक्यात का इल्म नहीं हो रहा था कि आखिर हम कहाँ हैं अभी हम हिंदुस्तान में हैं कि पाकिस्तान में हैं अगर हिंदुस्तान में हैं, तो पाकिस्तान कहाँ है अगर पाकिस्तान में हैं, तो यह कैसे हो सकता है कि वह कुछ अर्से पहले यही रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे ठीक है तो ये सारी बात थी एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि वो और भी ज़्यादा पागल हो गया और झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया यानि कि पेड़ पर चढ़ गया और टहनी पर बैठ कर दो घंटे मुसलसल तकरीरें करता रहा जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पर यानी कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चक्कर में इस तरह पागल हुआ कि झाड़ू देते देते पेड़ पर चढ़ गया और टहनी पर बैठ कर दो घंटे तक लगातार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पर तकरीरें करता रहा अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसा पागल जो जा झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और दो घंटे तक किस मसले पर तकरीरें देता रहा तो याद रखिएगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पर वो तकरीरें देता रहा सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वह और ऊपर चढ़ गया डराया धमकाया गया तो उसने कहा मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ ना पाकिस्तान में मैं इस दरख्त पर ही रहूँगा यानी कि जब उसको डराया धमकाया गया पहरेदार सिपाहियों ने डराया धमकाया तो उसने कहा ना तो मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ ना ही पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ मैं इस दरख्त पर रहना चाहता हूँ और मैं इस दरख्त पर ही रहूँगा ठीक है ना बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा सर पड़ा तो वह नीचे उतर गया और अपने हिंदू और सिख दोस्तों से गले मिलकर रोने लगा इस ख्याल से कि उसका दिल भराया था कि वह उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे देखिए ऐसा नहीं है कि पागल जो है उनके अंदर इमोशन और फीलिंग्स नहीं होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है ठीक है वो जो पागल था उसको इस चीज़ का एहसास हो रहा था यानी कि उसकी उसके अंदर भी फीलिंग देखने को मिल रही है यानी कि उसको लग रहा था कि अब उसके दोस्त जो है ना हिंदू और सिख दोस्त वो अब चले जाएंगे उसे छोड़कर इस वजह से वो अपने हिंदू और सिख दोस्तों से गले मिलकर रोने लगा ठीक है मतलब इतनी देर से वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था लेकिन जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो फिर नीचे उतरा और अपने हिंदू और सिख दोस्तों को गले लगा कर रोने लगा क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो लोग हमें छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे ठीक है उसके बाद से एक एम पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग की एक खास रोश पर खास रोज पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था यह तब्दीली नमदार हुई कि उसने तमाम कपड़े उतार कर दफादार के हवाले कर दिया और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना शुरू कर दिया यानी कि एक एम पास रेडियो इंजीनियर मुसलमान था और वो इस तरह पागल था कि वो बाग के खास रोज पर सारा दिन टहलता रहता था घूमता रहता था लेकिन ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में इतना वो पागल हो गया कि अपना सारा कपड़ा उतार कर इस तरह नंगे ही पूरा बाग में घूमने लगा ठीक है एक चूंढ के एक मोटे मुसलमान ने जो मुस्लिम लीग का सरगर्म रुकन रह चुका था और दिन में पंद्रह सोलह मरतबा नहाया करता था एक लखती आदत तर्क कर दी उसका नाम मोहम्मद अली था चनानचा उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है उसको उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया क़रीब करीब था कि उस ज़े उस जंगले में खून खराबा हो जाए मगर दोनों को ख़तरनाक पागल करार देकर अलहदा अलहदा बंद कर दिया गया यानी कि उसमें एक ऐसा पागल था जिसका नाम मोहम्मद अली था और वो अपने जंगले से यानी कि खिड़की से अपने आप को कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया ठीक है अब उसके देखा देखी एक सिख पागल था जो अपने आप को मास्टर तारा सिंह कह दिया कि मैं मास्टर तारा सिंह हूँ इसकी वजह से उन दोनों में झगड़ा होने लगा और खुर खून खराबा होने से बचाने के लिए मतलब कि वो लड़ने लगे और ख़तरनाक पागल करार देकर उन्हें अलग अलग बंद कर दिया गया यानी कि उन दोनों को अलग अलग मतलब लड़ने लगे ऐसा लग रहा था कि खून खराबा हो जाएगा फिर उन दोनों को खतरनाक पागल करार देकर दोनों को अलग अलग बंद किया गया ठीक है लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था अब यहाँ पर दिल टूटने वाली बात थी उसके साथ ब्रेकअप हुआ था ठीक है जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उससे मोहब्बत हो गई थी वो उसने उस वकील को ठुकरा दिया था मगर दीवानगी की हालत में भी वह उसको नहीं भूला था चुनाचा वह उन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वह पाकिस्तानी इस वजह से जितने भी लीडर थे ठीक है तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को वो गालियाँ दे रहा था सोचिए मतलब ये पागलों के जज्बात को भी दिखाया गया है यहाँ पर जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कोई पागलों ने समझाया कि वह दिल बुरा ना करे उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा उस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है मगर वह लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था देखिए वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था और उसकी महबूबा जो थी वो हिंदुस्तान में थी ठीक है इसलिए इसलिए उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी ठीक है और इस वजह से लोग उनको समझा रहे थे कि देखो तुम ज़्यादा टेंशन नहीं लो दिल बुरा ना करो तुमको जो है ना तुम्हारे महबूबा के पास ही भेज दिया जाएगा लेकिन वो जाना नहीं चाहता था वो अमृतसर में ही रहना चाहता था ठीक है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी तो वो जो था आप यूँ कह सकते हैं वकील था जो कि मोहब्बत में पागल हो गया था तो उसके साथ ये मामला देखने को मिला अब देखिए यूरोपियन वार्ड में दो एंग्लो इंडियन पागल थे यानी कि अंग्रेज़ पागल उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज़ चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ वह छुप छुप कर घंटों तक आपस में इस मसले पर गुफ्तु करते रहते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी यूरोपियन वार्ड रहेगा या फिर उड़ा दिया जाएगा ब्रेकफास्ट मिलाकर मतलब ब्रेकफास्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा क्या उन्हें डबल रोटी बजाय बल्डी इंडियन चपाती तो जहर मार कर नहीं ना देना मतलब क्या उनको वो इंडियन चपाती तो जहर मार नहीं करना पड़ेगा यानी कि वही बोला जा रहा है कि हमें डबल रोटी ब्रेकफास्ट मिलेगा कि नहीं डबल रोटी बजाय इंडियन चपाती आप ही कह सकते हैं वो मिलेगा कि नहीं हमें मतलब ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ दिया जाएगा मतलब ये लोग इस परेशानी में गिरफ़्तार थे कि कहीं यूरोपियन वार्ड से हमको निकाल तो नहीं दिया जाएगा और हमारे साथ क्या होगा ठीक है एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए पंद्रह बरस हो चुके थे याद रखिएगा यहीं से कहानी स्टार्ट होती है एक सिख पागल था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए कितने साल हो चुके थे तो पंद्रह साल पंद्रह साल हो चुके थे ठीक है हर वक्त उसकी जबान से यह अजीब व गरीब सुनने में आते थे ऊपर दी गड़गड़ दी दी बेधनिया दी मंग दाल ऑफ दी लाल यानि कि एक सिख पागल जो कि पंद्रह सालों से उस पागल खाने में था उसके जबान से एक अजीब व गरीब निकलते थे और वो अल्फाज क्या थे ऊपर दी गुड़गुड़ गुड़ दी एंगस दी बेधनिया दी मंग दाल ऑफ दी लालटेन दिन को सोता था न रात को सोता था पहर पहरेदारों का यह कहना था कि पंद्रह बरस की तवील अरसे में वह एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया लेटा भी नहीं था अलबत् कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था यानी कि वो जो पंद्रह सालों से उस पागल खाने में रह रहा पागल था वो दिन में सोता था न रात को सोता था और पहरेदारों का ये कहना था कि पंद्रह साले के पंद्रह सालों के इस तवील अरसे में वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया था लेटता भी नहीं था वो ठीक है वो कभी कभार दीवार से टेक लगा लेता था लेकिन कभी सोया नहीं था इन पंद्रह सालों में हर वक्त खड़ा रहने से उसके पाँव सूज थे। गए थे पिंडलिया भी फूल गई थी मगर इस जिस्मानी तकलीफ़ के बावजूद भी लेट कर वो आराम नहीं करता था हिंदुस्तान पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतालिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तु होती तो वह गौर से सुनता था यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इस मसले पर कभी भी गुफ्तु होती थी लोग बात करते थे तो ये एकदम गौर से सुनता था एकदम ध्यान से सुनता था कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो वह बड़ी संजीदगी से जवाब देता ऊपर दी गुड़ गुड़ एंगस दी बेधनिया दी मंग दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट ठीक है लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह उफ दी टोबा टेक्सिंग गवर्नमेंट लगा दिया ठीक है और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक्सिंग कहाँ है जहाँ का वह वा रहने वाला है यानी कि वह टोबा टेक्सिंग नाम के गांव का रहने वाला था लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि वह पाकिस्तान में है या फिर हिंदुस्तान में यानी कि वो जो पागल था वो लोगों से पूछने लगा कि आखिर टोबा टेक्सिंग है कहाँ लेकिन लोगों को भी नहीं मालूम था कि टोबा टेक्सिंग पाकिस्तान में है या फिर हिंदुस्तान में जो बताने की कोशिश करते थे वह खुद इस उलझाव में गिरफ़्तार हो जाते थे कि सयाल कोट पहने हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है क्या पता कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए और यह भी पता नहीं पर हाथ रख कर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किस दिन सिरे से गायब ही हो जाए ठीक है इस सिख पागल के केस ये जो है ना आप केस के बारे में बात कीजिए बाल यानि कि बाल में जटा सा लग गया था और बहुत ही कम बाल हो गया था यानी कि बाल झड़कर कर बहुत ही कम हो गया था क्योंकि बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे जिसके बाद उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी मगर आदमी बे बेजर रहता था यानी कि पंद्रह वर्षों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वह उसके मुतालिक इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई ज़मीनें थी अच्छा खाता पीता ज़मींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए महीनों में एक बार मुलाकात के लिए यह लोग आते थे और उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते थे एक मुद्दत तक यह सिलसिला जारी रहा पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना भी बंद हो गया था यानी कि रिश्तेदार भी नहीं आते थे उसका नाम बिशन थिंग बिशन सिंह था याद रखिएगा उस पागल का नाम क्या था बिशन सिंह जो कि पंद्रह सालों से ना तो सोया था और ना ही लेटा था सिर्फ टेक लगा लिया करता था उसके बाल पूरा जम गए थे ठीक है एकदम उसका चेहरा भयानक हो गया था ठीक है और उस जिस गांव में रहता था टोबा टेक सिंह उस गांव में ज़्यादातर जमीन इसी के नाम से थे, ठीक है और आप अपील कह सकते हैं कि बहुत ज़मींदार आदमी था ये लेकिन एक दिन इसका ये दिमाग उलट गया और इसके रिश्तेदार जो है ना लोहे की कड़ियों से बांध कर इसको लाकर पागल खाने में छोड़ गए और इसके रिश्तेदार हर महीने के लिए हर महीने खैर खैरीत पूछने के लिए आते थे लेकिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ये मामला सामने आया था तब से इनके रिश्तेदार भी मिलने के लिए नहीं आते थे ठीक है उसको यह कदन मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं लेकिन हर महीने जब उसके अजीज हुआ कारब यानि कि उससे उसके रिश्तेदार उससे मिलने के लिए आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था चनानचा वह दफादार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है इसको दिन तारीख का कोई इल्म नहीं था लेकिन हर महीने पर उसको ये एहसास हो जाता था कि उसके रिश्तेदार अब मिलने के लिए आने वाले हैं उस दिन अच्छी तरह नहाता बदन पर खूब साबुन घिसता और सर में तेल लगा कर कंघा करता अपने कपड़े जो वह कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता और यूँ सच बनकर मिलने वालों के पास जाता वह उससे कुछ पूछते तो वह खामोश रहता या कभी कभार ऊपर दी गुड़ गुड़ दी एंकस दी बेधनिया दी मंग दाल ऑफ दी लालटेन कह देता था उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती पंद्रह वर्षों में जवान हो गई थी यानी कि उस मतलब बिशन सिंह की एक बेटी भी थी जो कि पंद्रह बरस में मतलब हर हर महीने एक उंगली बढ़ती और पंद्रह बरस में जवान हो गई थी बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था वह बच्ची थी जब भी अपने बाप को देख कर रोती थी जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे यानी कि वो बच्ची थी तभी भी अपने बाप को देख कर रोती थी और जवान हुई फिर भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे बिशन सिंह उसको एक मिनट रुक जाए कहाँ चले गए जी हाँ आंखों से आंसू बहते थे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक्सिंग कहाँ है जब इतमान बख्श जवाब ना मिला तो उसकी उसकी करे दिन बदिन बढ़ती गई यानी कि वो जानने की कोशिश करता कि आखिर टोबा टेक्सिंग कहाँ है हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है और जब उसको जवाब नहीं मिलता तो और भी ज़्यादा उसको क्यूरसिटी होती जानने की आखिर है कहाँ अब मुलाकात भी उन्हें नहीं हो मतलब उन उसके रिश्तेदारों से मुलाकात भी नहीं होती थी पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं पर अब जैसे उसके दिल की आवाज़ भी बंद हो गई थी जो उसे उनकी आमद की ख़बर दिया करती थी उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वह लोग आए जो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे और उसके लिए फल मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे वह अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक्सिंग कहाँ है तो वह उसे बता देते कि पाकिस्तान में है या फिर हिंदुस्तान में क्योंकि उसका ख़्याल था कि वो टोबा टेक्सिंग ही से आते हैं जहाँ उसके ज़मीने हैं ठीक है मतलब कि वो चाहता था कि उसके रिश्तेदार मिलने के लिए आए ताकि उन्हीं से ये पूछ लें कि टोबा टेक्सिंग हिंदुस्तान में है या फिर पाकिस्तान में ठीक है पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था उससे जब एक रोज़ दिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या फिर हिंदुस्तान में तो उसने हंसव आदत को हुकूह लगाया और कहा वो पाकिस्तान में है और ना ही हिंदुस्तान में इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म ही नहीं दिया बिशन सिंह उस खुदा से कई मरतबा बड़ी मिन्नत और समाजत से कहता कि वह हुक्म दे दे ताकि झंझट ही ख़त्म हो जाए यानी कि वो जो पागल अपने आप को खुदा समझता था उसे बिशन सिंह जाकर पूछा कि बताओ हिंदू टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है तो वो हंसा और बोला कि मैंने तो हुक्म ही नहीं दिया तो टेक सिंह ना ही हिंदुस्तान में और ना ही पाकिस्तान में क्योंकि मैंने उसे हुक्म ही नहीं दिया है कि वो कहाँ जाए तो जो बिशन सिंह है वो बोला कि ठीक है आप हुक्म दे दीजिए ताकि झंझट ही ख़त्म हो जाए ठीक है लेकिन वो बहुत ज़्यादा मशरूफ़ था वो पागल इसलिए उसे बेशुमार काम करने थे एक दिन तंग आकर उस पर बरस पड़ा यानी कि बिशन सिंह जो है ना वो नाराज़ हो गया क्योंकि वो बार बार पूछता था उस पागल से कि बता दो आखिर टोबा तो टेक सिंह कहाँ है अगर तुम हुक्म नहीं दिए हो तो दे दो हुक्म ताकि झंझट ही खत्म हो जाए ठीक है लेकिन वो नहीं देता था बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था बिजी था तो इसी वजह से बिशन सिंह गुस्सा हो गया एक दिन और बोलने लगा ऊपर दी गुड़ गुड़ दी एंकस दी बेधनिया दी मंग दाल ऑफ़ दी वाहे गुरु जी द खालसा एंड वाहे गुरु जी की फ़तेह ठीक है जो बोले सोनिहाल सच श्रियाकाल इसका शायद यह मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो सिखों के खुदा होते तो ज़रूर मेरी सुनते ठीक है और तबादले से कुछ दिन पहले टोबर टेक सिंह का एक मुसलमान जो उसका दोस्त था यानी कि उसका एक मुसलमान दोस्त था मुलाकात के लिए आया था पहले वो कभी नहीं आया था यानी कि तबादले के एक दिन पहले उससे मिलने के लिए आया था टोबर टे सॉरी बिशन सिंह से जिसको टोबा टेक सिंह भी कहा जाता है तो उसका दोस्त उससे मिलने के लिए आया था जब बिशन सिंह ने उससे देखा तो एक, तो एक तरफ़ हट गया और वापस जाने लगा मगर सिपाहियों ने उसे रोका यह तुमसे मिलने आया है यानी कि वो सिपाहियों ने बताया कि ये तुमसे मिलने के लिए आया है तुम्हारा दोस्त फजल दी है यानी कि उसका दोस्त रहता है फ़जल दीन नाम क्या रहता है फ़जले दीन याद रखिएगा बिशन सिंह ने फजल दिन को एक नज़र देखा और कुछ बड़ बड़ाने लगा फजल दीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूँ लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली फजल दीन बोला तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए थे मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की तुम्हारी बेटी रूप कौर और रुक जाता है वो कुछ कहते कहते रुक गया बिशन सिंह कुछ याद करने लगा बेटी रूप को और फजल ने रुक रुक कर कहा हाँ हाँ वो अभी ठीक है उसके साथ ही चली गई थी ठीक है बिशन सिंह खामोश रहा फजले ने कहना शुरू किया उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो भाई बलर सिंह और भाई विधवा सिंह से मेरा सलाम कहना और बहन अमृत कौर से भी भाई बिलेर सिंह से कहना कि फ़लदीन राज़ी खुशी है वह भूरी भैंसे जो वह छोड़ गए थे उनमें से एक ने कुत्ता दिया है दूसरी के कुत्ती हुई है और परवा छः दिन के होके मर गई और मेरे लायक जो खदमत है कहना मैं हर वक्त तैयार हूँ और यह तुम्हारे लिए थोड़े से मरोंडे लाया हूँ ठीक है ये सारा बात जो है ना फजलुद्दी उसका दोस्त बोला और चला मतलब जाने वाला था तो बिशन सिंह ने मरोंडो की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजल दिन से पूछा यानी कि अपने दोस्त से पूछा कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो फजल दिन ने कुरत क़द्र हैरत से कहा कहाँ है या वही है जहाँ था बिशन सिंह ने फिर पूछा पाकिस्तान में है या फिर हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान में नहीं नहीं, नहीं पाकिस्तान में फजल द्दीन बौखलास आ गया यानी कि उसको भी पता नहीं था कि टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में बिशन सिंह बड़ा बड़ बड़बड़ाता हुआ चला गया ऊपर दी गुड़ गुड़ बुर दी एंगज दी बेधनिया दी मंग दाल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी दरफटे मुंह ठीक है और उसके बाद से चला गया तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी इधर से उधर उधर से इधर आने वाले पागलों की फरसते बन गई थी और तबादले का दिन भी मुकर हो चुका था सख्त सर्दियां थी जब लाहौर के पागल खाने में हिंदू सिख पागलों से भरी लॉरिया पुलिस के मुहाफिज दस्ते के साथ रवाना हुई मुतालक़ा अफसर भी हमरा थे वहाँ के बोर्ड पर तरफीन के सर एक दूसरे से मिले और इब्तदाई का इब्तदाई कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया जो रात भर जारी रहा पागलों को लॉरियो से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे जो निकलने पर रजामंद होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता क्योंकि इधर उधर भाग उठते थे जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो वह फाड़कर अपने तन से जुदा कर देते कोई गालियाँ बकरा है कोई गा रहा है आपस में लड़ झगड़ रहे हैं रो रहे हैं बिलक रहे हैं कान पड़ी आवाज़ आवाज़ सुनाई नहीं देती थी पागल औरतों का शोरगुल अलग ही था और सर्दी इतनी कड़ाके की थी के दांत से दांत बज रहे थे ठीक है ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है वह चंद जो कुछ सोच सकते थे पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे दो तीन मरतबा फसाद होते होते बचा क्योंकि बाज मुसलमानों और सिखों को यह नारे सुनकर तयश आ गया था जब बिशन सिंह की बारी आई तो वाहगा के उस पार मुतल अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा तो उसने पूछा टोबर टेक सिंह कहा है पाकिस्तान में है या फिर हिंदुस्तान में तो मुतल अफसर जो है ना वो हंसा और कहा पाकिस्तान में या सुनकर बिशन सिंह उछल कर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी मानदा साथियों के पास पहुंच गया ठीक है क्योंकि पाकिस्तान में था और इसको बिशन सिंह को कहाँ भेजा जा रहा था हिंदुस्तान भेजा जा रहा था अब इसको पता चल गया कि टोबा सिंह पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान वाले लाइन में जाकर खड़ा हो गया उछल कर जाकर उस तरफ फट गया ठीक है क्योंकि उसको पाकिस्तान में ही रहना था पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे मगर उसने चलने से इनकार कर दिया टोबा सिंह यहाँ है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा ऊपर दी गुड़ गुड़ देंगस दी बेधनिया दी मंग दाल ऑफ दी टोबा सिंह इंडिया पाकिस्तान ठीक है उसे बहुत समझाया गया कि देखो अब टोबा सिंह हिंदुस्तान में चला गया है अगर नहीं गया तो उसे फौरन वहाँ भेज दिया जाएगा मगर वह नहीं माना जब उसको ज़बरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वह दरमियान में ही एक जगह उस अंदाज पर अपनी सूझी हुई टांगों में खड़ा हो गया जैसे अब उसे कोई ताकत वहाँ से नहीं हिला सकती है यानी कि जब उसको खींच कर ले जाने की कोशिश की गई हिंदुस्तान वाले वार्ड की तरफ ठीक है तो वो खींच खींचने पर मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बीच में मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो सरहद है उसके बीच वाला जो जगह है वहाँ पर एकदम तन कर खड़ा हो गया जैसे कि अब उसको कोई ताकत नहीं हिला सकती हो ठीक है तो आदमी चूंकि बेजर था इसलिए उसे मज़ीद ज़बरदस्ती ना की गई उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा यानी कि उसको खींच कर हटाया जा रहा था तो वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था तो सोचे मतलब जितने भी अफसर थे वो सोचे कि अभी इसको यहीं पर रहने दो जब तबादला किया जाएगा तब इसको भेज दिया जाएगा तब तक बाकी काम कर लिया जाए ठीक है तो तबादले का बाकी काम होता रहा सूरज निकलने से पहले साकत व सामत बिशन सिंह के हलक से एक फलक शगाफ चीख निकली इधर उधर कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वह आदमी जो पंद्रह वर्षों तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था औंधे मुंह लेटा है उधर उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था और इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान दरमियान में जम, जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था टोबा टेक सिंह पड़ा था यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में यहाँ पर टोबा टेक सिंह जो कि बहुत ही सुलझा हुआ आदमी था वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था उसकी मौत हो गई मतलब कि उसको खींच कर लेकर जाया जा रहा था हिंदुस्तान वाले वार्ड में क्योंकि उसको हिंदुस्तान भेजना था और ये पाकिस्तान में ही रहना चाहता था तो खींच कर लेकर जा रहे थे जितने भी अफसर थे लेकिन वो उस ज़मीन पर खड़ा हो गया मतलब तो जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में था जिसका कोई नाम नहीं था वहीं पर तन कर खड़ा हो गया तो सभी लोग सोचे कि इसको यहीं पर खड़ा रहने दिया जाए और उसके बाद से इसको बाद में भेज दिया जाएगा जब तबादला तो किया जाएगा तब तक बाकी का, का काम कर लिया जाए बाकी का काम हो रहा था और सुबह हुआ सूरज निकला सूरज निकलने के साथ ही एक चीख सुनाई दी जो कि टोबा टैक्सिंग यानी कि बिशन सिंह ही की थी तो सभी लोग जितने भी अफसर थे इधर उधर इधर दौड़ कर आकर देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि वह इंसान जो कि पंद्रह सालों से एक बार भी नहीं सोया था एक बार भी लेटा भी नहीं था आज वह औंधे मुंह लेटा हुआ है और उस ज़मीन के टुकड़े पर जो कि ना तो पाकिस्तान का था और ना ही हिंदुस्तान का ठीक है ना और इस तरह तो टेक सिंह का इंतकाल हो गया उसकी मौत हो गई और फाइनली यहीं पर आप लोगों का ये कहानी का दी इंड हो जाता है आई होप आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आई होगी एक भी पॉइंट नहीं छूटा है क्योंकि पूरा बुक में पूरी कहानी पढ़ के बताई हूँ आप लोगों को तो इसमें किसी भी पॉइंट कोई भी टॉपिक छूटने वाली तो कोई बात ही नहीं है सारा पॉइंट कवर हो गया सारा टॉपिक कवर हो गया तो आई होप आप लोगों को पूरा कहानी समझ में आया होगा अच्छा लगा है कहानी समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है फटाफट वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइए कि चैप्टर आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया ठीक है लिख कर बताना है कमेंट बॉक्स में और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ले लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिए होंगे चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ बाय बाय टेक केयर फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और ख़ुदा हाफिज़